का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ, जिसमें हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस, लैंग्वेज बैरियर और कैसे अपने आप पर विश्वास रखा जाए, इन्हीं सब बातों पर तो चर्चा करी थी। लेकिन सोना, इस बार हम क्या करने वाले? इस बार क्यों ना हम कुछ बचपन की यादें ताजा करें। यादें? कैसी यादें? वही बचपन की कहानियाँ जिनसे हमने सीखा कि जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, जैसे कि मुंजाल सर कहा करते थे, बुद्धि और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हाँ, और वो खड़ूस राजा वाली कहानी जो अपने प्रजा की एक ना सुनता था और बस अपनी ही चलाता था। शायद लालच बुरी वाला है, किसी ने उसे सिखाया नहीं था। और अरे अरे बस यार, सब बोलेगा क्या, चलना करके दिखाते। करके दिखाए? हाँ चल, ठीक है। अरे अम्मा, तुम्हारी बहू तो बड़ी बूटीफुल है।
अरे आखिर बहू किसकी है, चल बातें बातें छोड़, चूड़ियां दिखा। राम राम पांडे भैया, क्या हाल है? सब बढ़िया है भैया, आपका बताइए। बढ़िया है बस, 120 नंबर का पान तो लगाइए। कट्ठे और चूमने की कसम, ऐसा पान खिलाऊंगा जो आपने अभी तक कहीं नहीं खाया होगा। और मिलावट राम भाई, क्या हाल चाल? अरे आपको तो इस शहर का पता ही है, पैसे तो बचते नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है काम करने, आखिर जीना भी तो है। चलो इसी बात पे मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ ये लो। अरे मिठाई खिलाए हो, अरे जैसा नाम वैसा काम मिलावट राम। क्या हो गया भाई साहब? अरे वो नवाब तो हमको लूट ही रहा है, अब तुम भी शुरू कर दो। अरे भाइयों, नवाब से याद आया, उनकी सवारी आने वाली है आज बाजार में। क्या? क्या? हाँ भैया हाँ, महल के सामने से रटी लेके गुजर रहा था तो सुनी अपनी कानों से मार, उनकी पालकी इधर आने वाली है बहुत जल्द। अरे भैया, जब पिछली बार आए थे मेरी सारी की सारी चूड़ियाँ मुफ्त में उठा के ले गए थे, एक भी रुपया नहीं दिया उनके सैनिकों ने। ओए रंगीली, तेरी तो बस चूड़ियाँ लेके गए थे, मेरे तो सारे के सारे पान लेके गए गए, साथ में मेरा प्यारा कत्ता चूना भी ले गए। बोलो हम तो अपनी दुकान ले जा रहे हैं, पता चले इस बार का भंडार मेरी तरफ से लग जाए। अरे बिल्कुल सही कहा बहू, उठा खबरदार हो जिया। नवाब साहब, बकरी ने
बकरी ने पिया शेर का खून। ओ माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों से बाजार में हमारी वाहवाह नहीं हुई है, जरा वाहवाह तो कराओ। साहब कल ये कोतवाल बोल रहा था कि उसके पास कोई आइडिया है आपका वाहवाह कराने के लिए। हाँ नवाब साहब, कोतवाल बोल रहा था कल। मैंने क्या बोला मेरे पास कोई आइडिया है? तो कल ही तो बोला था तू। नवाब साहब वो भूल गए होंगे शायद। ए कोतवाल, आइडिया नहीं है तो आइडिया लाओ, वरना हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। है नवाब साहब, आइडिया है, क्यों नहीं है? बाजार में से किसी गरीब के बच्चे को गोद में उठा लीजिए। गरीब का बच्चा? वाहवाही होगी जनाब, वाहवाही। लेकिन कोतवाल, गरीब का बच्चा, कपड़े खराब हो जाएंगे हमारे। ओफो नवाब साहब, कपड़ों का क्या, कपड़े तो ड्राई क्लीन हो जाएंगे। वो सूची लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े राजा ने एक गरीब के बच्चे को गोद में उठा लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जा किसी गरीब के बच्चे को गोद में गिरा। Alada
भैया क्या बताओ, कोई सगे संबंधी थे क्या? अरे कोई सगा संबंधी नहीं था, गधा था हमारा गधा। गधा? हाँ भाई हाँ। अलादार। तुम्हारे भैया का रो रो के बुरा हाल है, चलो मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। दोस्तों वैसे बात गौर करने वाली है कि आजकल इंसानों को भी जानवरों से कितना लगाव हो जाता है। कैसे रो रहा था बेचारा? अरे रो रो के बुरा हाल था उसका। ओ पांडे, ती भीड़ लगी थी बाजार में। कच्चे और चुनने की कसम, सुना है कोई गुजर गया। कौन गुजर गया? वो बाबा, वो बाबा। कोतवाल को पेश किया जाए, कोतवाल को पेश किया जाए, कोतवाल को पेश किया जाए।
स्टेटस बांध दो। बाबाई होगी बाबाई। टाइटली तो बांध लिया ना? जी जनाब, वेरी टाइटली, वेरी टाइटली। अगर ऐसी बात है ना, पूरे राज्य में ऐलान करवा दे अलादाद खान के नाम पे 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। 93.5 FM से लेके टीवी तक सिर्फ उनके मातम की पीपड़ियां बजेगी। पी 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 कैसे? पी 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 पी। और तो और, हम खुद उनके जनाजे को गंदा भी देंगे। ऊपर से उनके शोक में हम भाषण भी पढ़ेंगे। चंगू मंगू, जल्दी ले चलो, निकलना चाहिए। अलादाद गधा गधा मरा है। लो कर लो बात,
गधा कौन नहीं है भला हमें छोड़ के? गधा तो तू भी है, गधा तो ये भी है, गधा तो कोतवाल भी है। नवाब साहब, अलादा खान गधा मरा है, गधा ई आ ई आ वाला गधा। Let's go!
इतना सब करता है, ये तो और भी अच्छी बात है। इसीलिए अब तुझे हमारा एक छोटा सा और काम करना होगा। कैसा काम? दरअसल बात ऐसी है, बाजार में अलादाद नाम का कोई गधा मर गया है, और ये बेवकूफ कौन ये सुन के आ गया कि इंसान मरा है, और हमने जोश जोश में ये ऐलान करा दिया हम उसके जनाजे को कंधा देंगे, उसके लिए अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, नदियां भर देंगे, और तो और हम उसके शोक में भाषण भी पढ़ेंगे। अब तुम खुद ही सोच रहे पगले, इतना बड़ा नवाब एक गधे के जनाजे को कंधा दे रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसलिए अब तुझे बस हमारे लिए शहीद होना पड़ेगा। शहीद? अरे पगले, छोटा सा ही तो काम है, शहीद होना पड़ेगा। नवाब साहब, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, बच्चों का ख्याल हम रख लेंगे। इतना ही है तो तेरे नाम पे तो हम पेंशन चालू करने वाले हैं, और तो तेरे बच्चों को हम अपने महल में रहने की जगह भी देंगे। नवाब साहब, लेकिन खामोश, ले जाओ इसे। Very good, very good. Hey, time ho gaya.
Stage.